गुड मॉर्निंग और हैप्पी शावत और नए साल का मुबारक आप सब को हो इस त्रिमास का हम लोग का जो मिशन समाचार है इस साल का पहला त्रिमास पूर्व मध्य अफ्रीका डिवीज़न पूर्व मध्य अफ्रीका डिवीज़न और आज 2023 का पहला साबत है और आज का जो शीर्षक दिया गया है और ये मिशन समाचार युगांडा से आता है और ये क्रिस्टीन के विषय में यहाँ उसके जीवन और उसके काम और उसके विषय में लिखे हुए है और शीर्षक है अनिश्चिक नर्स यहाँ क्रिश्चियन का परिवार बहुत गरीब था इस कारण एक पुरोहित ने उसका लालन पोषण किया और उसके यहाँ वह बढ़ी और जब अपना शिक्षा ख़त्म की और नर्स का जो ट्रेनिंग ख़त्म करने के बाद सोचती है कि मैं अब कहीं नर्स का काम करो और यहाँ क्रिस्टिन यहाँ जो अपने नौकरी के लिए इंतज़ार कर रही थी और ढूँढ रही थी कि कहाँ मैं काम करूं लेकिन उसका जो दिलचस्प शहर में काम करने के लिए लेकिन पुरोहित चाहता था कि वह शहर में काम ना करे वो एक गांव में वह काम करे तो यहाँ देखते हैं कि और यहाँ वादा में पड़ गई क्योंकि उसके लालन पोषण एक पुरोहित किया था वह पिता जैसे मानती थी लेकिन वो चाहते थे कि पुरोहित की वो एक गांव में एक नर्स के तौर में वो काम करी यहाँ पर देखते हैं कि एक समय ऐसा हुआ कि पुरोहित उससे बुलाया और कहा कि क्रिश्चियन तुम तैयार हो जाओ एक गाड़ी आएगी कार और तुमको ऐसे स्थान में ले जाएगी जहाँ पर तुमको काम करना है और उसके बाद वह उसे कहा कि जल्दी से तैयार हो जाओ पुरोहित ने कहा एंड उसके बाद नौकरी का विज्ञापन जो आना था वह जल्दी बंद हो जाएगा तब कार आई और कार को ले करके वो चले जाती है और क्या देखती है कि वो एक सेवेंड एडवेंटिस्ट मेडिकल सेंटर के कंपाउंड में पहुंच जाती है और जब पहुंचती है तो वो सोचती है और ये मेडिकल जो सेंटर जो शहर से बहुत दूर में था एक गांव के इलाका में था तब तो और ये क्रिश्चियन ए रविवार पालन करती थी और उसने सोची कि क्यों क्यों गांव में बाहर काम करना नहीं चाहती थी क्योंकि दो ही चीज़ एक है कि वो शहर से दूर और दूसरा है कि ये सेवन एडवेंटेज लोग शनिवार को गिरजा करते हैं तब वहाँ पहुँच कर के जब देखती है यहाँ रहती है कि ग्रामीण इलाकों में काम नहीं करना चाहती थी लेकिन उससे कोई दूसरा विकल्प नहीं दिखा दिख रहा था और उसके अनिच्छा से चिकित्सा केंद्र में नर्सिंग की नौकरी क्या कर स्वीकार कर ली क्रिश्चियन ने अपनी नई नौकरी पर कई झटके लगे उसको सबसे पहले ग्रामीण इलाका में गांव इलाक़ा में और दूसरा ये है कि शनिवार को लोगों की उपासना ये करते देख करके वह चकित रह गई थी आज वह सोच नहीं सकती थी और सोचती थी कि क्या लोग शनिवार को गिरजा करते हैं इसमें परमेश्वर की उपस्थिति होती है क्योंकि उसको ये पुरोहित ये सिखाया था कि रविवार ही को परमेश्वर की उपस्थिति होती है और इससे उसका मन सोचने लगा कि मैं क्या करूं? लेकिन क्या होता है कि मैं यहाँ की अलग थक के और सोच में पड़ गई उसने सोचा एडवेंट्स का एक क्या होता है निरंतर प्रवाह जो ख्रिस्ट के पास मिलने के लिए आती थी तब क्या होता है कि वहाँ पर जो शनिवार को जो गिरजा करते थे सदस्य आ करके उनसे क्या कहते थे मिलते थे और उसे गाना सिखाते थे प्रार्थना करते थे और बाइबल का पाठ वो सिखाते थे क्रिश्चियन ने अपना चर्च जाना बंद कर दिया क्योंकि संडे चर्च वहाँ से काफ़ी दूर थी और अपना चर्च सोचने लगी कि मैं इतने दूर कैसे जा सकूँगी एक शनिवार की सुबह चर्च के चर्च के एक सदस्य ने उससे शिविर के बैठक में जाने के लिए आमंत्रित किया निमंत्रण करके उसके कामों में उसके कानों में संगीत की जैसा आ गया अब क्रिस्टीन अपने मन में सोच रही है कि अब मेरा ऊपर निर्णय करना है अब जमाना मेरा है क्रिस्टीन ने सोचा तो देखते हैं कि आगे वह चुपके से अपने साथ कपड़े ले के चली आती है और उसने पिछले तीन वर्षों से कई बपतिस्मा देखी थी तीन वर्ष से वो लोगों को बपतिस्मा लेते हुए देखी थी और यहाँ वह जानती थी कि वह क्या करना है जब पास्टर ने पास्टर ने बेदी से पुकारा कि तो वह बपतिस्मा लेने के लिए पंते में आ गए जब पास्टर ने कहा कि कौन अपने मन को तैयार किया है बपतिस्मा लेने के लिए जो वहाँ थे बपतिस्मा लेने के लिए पंते में आए वो भी बिना हिचकिचाए उस पंते में आई और उस साबत को उन्होंने बपतिस्मा ली। क्रिस्टीन खुशी से बत्तीसमा के पानी के बाहर निकली आज ख्रिस्टिन स्टिन स्वयं को चिकित्सा केंद्र में आ, लाने का श्रेय ईश्वर को धन्यवाद देती है और कहती ईश्वर महान है ईश्वर मुझको अगुवाई की और मैंने इस सच्चे जो कि सच्चाई जो तो शनिवार को गिरजा करते हैं और वो कहती है कि यहाँ पर मैं अनिच्छा के से साहतर लेकिन परमेश्वर ने इस कारण से इस कारण से मुझे बुलाया है और मैं उसके लिए काम करने के लिए इच्छुक हूँ आज यहाँ देखते हैं कि क्रिश्चियन एक सेवन एडवेंटिस हॉस्पिटल में नर्स के साथ सेवा काम करती है और कहती है कि इस त्रिमास के तेरहवें सबदान दान का एक आ, एक हिस्सा ये नावगाछा यहाँ कहता है कि नछवांग नाव नचवांग हैं नछवांग जो एक गांव का उस इलाका जो युगांडा में है वहाँ पर वो कहती है कि ये जगह जो एक युवा कृषि प्रशिक्षण केंद्र खोलने में मदद करेगा प्रिय श्रोता यहाँ कहते हैं कि प्रिय श्रोता क्रिश्चियन कहती है कि, कि समुदाय इन शिष्य से प्रशिक्षण केंद्र में क्या है कि स्थापन और समर्थन को मैं हमारे युगांडा में कई लोगों के लिए जो यहाँ पर जो काम हो रहा है और उसके लिए मैं प्रार्थना में आग्रह करती है कि आप लोग हम सबों को प्रार्थना में याद कीजिएगा तो यहाँ देखते हैं कि क्रिस्टीन एक नॉन एडवेंटिस्ट जो गैर एडवेंटिस्ट थी रविवार को चर्च जाती थी लेकिन जब अपने को ठान ली कि मैं एक नर्स के तौर होकर के ग्रामीण इलाका में काम करूं और साथ साथ में प्रभु का काम मैं फैलाओ परमेश्वर इस जगह को और ख़ास करके क्रिश्चियन और उसके जितने परिवार हैं उसको मदद करे उसकी बहन भी वो कहती है कि मैं भी बहुत जल्दी बपतिस्मा मान परमेश्वर वहाँ पर आशीष दे और जैसे हम भिन्न भिन्न जगह के जो समाचार हम लोग सुनेंगे मिश्र समाचार मिश्र समाचार में हम सब का अगुवाई करें परमेश्वर हम सब को आशीष दे, धन्यवाद